वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी लोग का वार्म वेलकम है आपके इस एडिटोरियल वकैब के सेशन में, जहां पे हम लोग वकैब सीखेंगे, इडियम्स एंड फ्रेज सीखेंगे और कुछ कंफ्यूजिंग पेयर सीखेंगे, जो कंफ्यूजिंग वर्ड है कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए उनके साथ, ठीक है। और आज एक नई चीज़ ऐड किए हैं, दैट इज़ योर होमवर्क। काफ़ी देर से हम होमवर्क आपको नहीं दे रहे थे, तो आज का एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क है, आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे और जो भी उसका आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है मेरे पास कि सर मुझे स्पेशली और स्पेशली में अंतर नहीं समझ में आया, तो जो स्पेशली और स्पेशली उसको मैं अभी समझा दूंगा जब सेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब, ठीक है। तब तक देखते रहिए और चलिए मूव करते हैं आज का, देखते हैं आज का हमें क्या सीखना है कन्फ्यूजिंग पेयर में। आज का जो कन्फ्यूजिंग पेयर है वो एडवाइज और एडवाइस को लेकर है कि दोनों यूज़ कैसे करते हैं, दोनों का टर्म क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और आज आपका होमवर्क है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू। और सर सभी लोग आंसर करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा, इससे क्या होता है आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा ना। जब तक आप चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे, जब तक आपको मतलब कि शेयर करने की हैबिट नहीं पड़ेगी, अपने डेली रूटीन में लाने की हैबिट नहीं पड़ेगी, तब तक आप अच्छे से वोकैब इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। सर मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कभी भी नहीं कर सकते हैं। और सर कोई भी चीज़ ना उसको डिटेल में लिखा करिए, क्या होता है डिटेल में कोई चीज़ जब एक बार आप लिख देते हैं तो उसके बारे में जो भी बातें होती हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, फिर आप उसको भूलते नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये आज आपका होमवर्क है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू, और अभी हम लोग सीखेंगे कि ये एडवाइस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं सबसे पहले वोकैब की तरफ। सबसे पहला वोकैब हमारा क्या है, डेंटी। सबसे पहला वोकैब हमारा क्या है, डेंटी, जिसका मतलब होता है सुंदर, जिसे आप कह सकते हैं रुचिकर, खूबसूरत, सुहावना, बहुत सारी चीज़ कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स में सबसे पहला वर्ड क्या है, द फर्स्ट वर्ड इज़ पेटीट, जिसका मतलब भी होता है सुंदर और क्यूट का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर की तरफ मूव करते हैं। सेकंड नंबर वो हमारा है एम्बल, जिसका मतलब क्या होता है, टहलना, जिसे आप कह सकते हैं क्या, स्ट्रॉल, या क्या कह सकते हैं, वंडर, ठीक है। थर्ड इज़ अफेबल, जिसका मतलब होता है मिलनसार, घुल, जो बहुत जो होता है ना फ्रेंडली नेचर वाला, जो होता है बहुत ही पोलाइट होता है, हम्बल होता है, हर जगह मिलनसार होता है, मिलजुल जाता है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, अफेबल। सिनोनिम्स में क्या बोल सकते हैं, एमिएबल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, जीनियल बोल सकते हैं। फोर्थ वोकैब की तरफ सर मूव करेंगे, तो फोर्थ वोकैब आपका क्या है, फोर्थ वोकैब आपका हो जाएगा सर, ये हट जा, हाँ अरे एक मिनट वेट, हाँ फोर्थ वोकैब की बात करेंगे तो फोर्थ वोकैब आपका क्या है, पेंडामोनियम, जिसका मतलब क्या होता है, नर्क, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं जहाँ पे कोलाहल हो, जहाँ पे चीज़ें बहुत ही डिस्टर्बिंग वे में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंडामोनियम कहते हैं। अब सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सिनोनिम्स का मतलब क्या हो जाएगा, ट्यूमलेट, ये हो जाएगा हेल हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर की तरफ मूव करेंगे सर, फिफ्थ नंबर आपका बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराना और यूजुअली ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ये वर्ड क्या है, अले, जिसका मतलब क्या होता है, शांत करना। इसके याद करने की जो ट्रिक होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, जैसे छोटे बच्चे को चुप कराते हैं ना, तो आप लोग क्या कहते हैं, जैसे मतलब मान लो कोई छोटा बच्चा है, मान लो कोई छोटा बच्चा है, ये रो रहा है, जब ये रोते रहते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, चुप कराने के लिए, अले 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 अले। और जब आप अले अले करते हैं तो आपकी साउंड सुन के वो क्या होता है, शांत हो जाता है। तो आप याद रखेंगे अले का मतलब क्या होता है, शांत करना या कम करना भी होता है, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हैं, उसे आप लाइटन बोल सकते हैं या फिर अस्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए सिक्स नंबर की तरफ मूव करते हैं। सिक्स नंबर आपका है डीबीएस, डीबीएस का मतलब होता है कपटपूर्ण, छल करना, धोखा देना, जिसे आप सिनोनिम्स में क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, इंसीडियस बोल सकते हैं, ठीक है। सेवन नंबर की तरफ सर मूव करते हैं। सेवन नंबर आपका क्या है, डिफॉल्केशन, जिसका मतलब होता है झूठ, मिथ, धोखा, या आप कह सकते हैं फॉल्सहुड, या फिर क्या कह सकते हैं, चीट। मैं फिर से बता रहा हूँ सर, एक बात याद रखिएगा सर, जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क सर होमवर्क अपना करिएगा, अच्छे से सर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से आप पाइएगा उसको लर्न करिएगा, देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर से बता रहा हूँ, जो चीज़ आप कमेंट कर देंगे सर, वो चीज़ आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी, और जब चार पाँच लोग, छः लोग, सात लोग, ऐसे ऐसे सात आठ लोग मिलके करते रहोगे अपना, और फिर उसको अपने ग्रुप में शेयर करते रहोगे, और फिर चीज़ें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करोगे, आप बस पढ़ के छोड़ दोगे, तो एक टाइम बाद मेमोरी क्या होता है, फेड हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए आप भूले ना तो उसको लिख दीजिएगा, डिटेल में लिखने के बाद आपके एकदम दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाता है। एट नंबर की बात करें, एट नंबर क्या है, आफ्टर मैच, जिसका मतलब होता है परिणाम, परिणाम का मतलब क्या होता है,
रिजल्ट आप लोग अच्छे जानते हैं, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा वकैब का टर्म कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारे एडियम्स एंड फ्रेज स्टार्ट होंगे। सबसे पहला एडियम और फ्रेज चलते हैं। शायद आपने सुन रखा होगा कि लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, जिसका मतलब क्या होता है, वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा क्या होना, नर्वस होना। एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, ही विल बी लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स टिल ही गेट्स हीज एग्ज़ाम रिजल्ट। मतलब कि वह कैसा था, कैट ऑन हॉट ब्रिक्स की तरह था, मतलब कि बहुत ही नर्वस था। कब, जब तक उसको उसका रिजल्ट नहीं मिला था। क्या लिखा, टिल ही गेट्स हीज एग्ज़ाम रिजल्ट, जब तक उसको रिजल्ट नहीं मिला वो एकदम क्या था, नर्वस था। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी हो, रिजल्ट होता है, इंटरव्यू होता है, कोई भी बात होती है तो नर्वसनेस थोड़ी बहुत हो ही जाती है। बात यहाँ पे नर्वसनेस की नहीं, बात यहाँ पर है कि आप वेरी नर्वस के लिए आपको एक फ्रेज़ मिल गया है जो आप अपने डेली यूज़ में करके या स्पोकन में यूज करके अपने स्पोकन को और भी बेटर बना सकते हैं। चलिए 10 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 10 नंबर क्या है, टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब क्या होता है, मैनी ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, या फिर जो रिपीटेड होता है, या फिर जो बार बार होता है, या जो यूजुअली होता रहता है, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टाइम एंड अगेन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा है, आई हैव नोटिस्ड हिम डूइंग इट। मैंने नोटिस किया है उसको डूइंग इट या करते हुए, टाइम एंड अगेन, बहुत बार। समझ में आई बात, फिर से देख लीजिए, आई हैव नोटिस्ड हिम, मैंने उसे नोटिस किया है डूइंग इट या करते हुए, टाइम एंड अगेन, बहुत बार। इज़ दैट क्लियर गाइज? तो एक बार दोनों फ्रेज का हम साथ में देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी नर्वस, और टाइम एंड अगेन का मीनिंग क्या हो जाएगा, मैनी ओकेजनली, या फिर जो बार बार होता है यूजुअली। ठीक है, चलिए अब अपने कन्फ्यूजिंग पेयर की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्या था, एडवाइज और एडवाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल बोल दूँ, इसका दोनों का प्रोनंसिएशन आपको नियर अबाउट हर जगह सेम मिलेगा, बट जैसे आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी यूज़ करते हैं, जब आप ऑक्सफोर्ड यूज़ करेंगे तो ऑक्सफोर्ड में आपको सेम मिलेगा, लेकिन जब आप कोई और डिक्शनरी देखते हैं, जैसे नेट पे बहुत सारी चीज़ हैं जहाँ पे प्रोनंसिएशन आपको सुनने को मिलता है, तो वहाँ पे ये चीज़ बताया जाता है कि जब ये ADVICE होता है तो वहाँ पे S का साउंड आता है, इसे हम कहते हैं एडवाइज, और जहाँ पे ADVISE होता है वहाँ पे Z का साउंड आता है जिसे हम कहते हैं एडवाइज। ठीक है, तो अपने को इससे नहीं मतलब रखना है, अपने को इससे मतलब रखना है कि जब भी ये ADVICE आएगा तो हम इसे ट्रीट करेगा किसकी तरह, नाउन की तरह, और जब भी ADVISE आएगा तो हम इसे ट्रीट करेंगे किसकी तरह, वर्ब की तरह। बात समझ में आई, जो वर्ब की तरह ट्रीट करता है उसके साथ 5 चीज़ें हो सकती हैं सर। पहली क्या हो सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, वर्ब में आप एस या ईएस लगा सकते हैं, या फिर आप वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब होगा उसके साथ ये 5 चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन नाउन के साथ आप ये 5 चीज़ में सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है? एडवाइज़ क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसमें एस या ईएस का भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप इसका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म भी नहीं लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये नाउन है, नाउन का कोई फॉर्म वगैरह नहीं होता, तो सिंपली एडवाइज ही रहेगा। अब डिपेंड करता है कि सेंटेंस में आपको नीड किसकी है, नाउन की है तो आप ये यूज करना, वर्ब की है तो आप ये यूज करना, बाकी मीनिंग में नियर अबाउट दोनों सेम ही होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ, ठीक है, स्लाइड ऊपर कर लिया जाए थोड़ा सा। जैसे क्या लिखा है, माई फादर गेव मी वन पीस ऑफ एडवाइस, मेरे पिताजी ने मुझे एक छोटी सी एडवाइस दी, वन पीस ऑफ एडवाइस मतलब एक छोटा सा पीस दिया, मतलब कि एक बारे में बताया, ऑलवेज बी ऑन टाइम, कि बच्चा हमेशा टाइम पे रहना। अच्छा, ऑन टाइम का मतलब होता है ऑन शेड्यूल टाइम, जो काम जिस समय का है उस काम को उसी समय आपको निपटाना, उसी समय करना है। अब देखो यहाँ पे एडवाइस किसकी तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह, और अनकाउंटेबल होता है तो इसमें हम एस और ईएस का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये सिंपली एडवाइज ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा सी एडवाइज्ड मी टू इन्वेस्ट माई मनी मोर केयरफुली, कि भैया उसने मुझे सलाह दी कि मेरे मनी को बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करना, अदरवाइज आई विल किल यू, नहीं लिखा नहीं है ये, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, सी
एडवाइज्ड, क्या हो गया सी एडवाइज्ड, और ये क्या है वो आपकी सेकंड फॉर्म। समझ में आ रही है? यहाँ पे आप पांचों यूज करते हैं, कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एसएआईएस, कुछ भी, ठीक है। अब चलो बात को समझो, छोटी सी बात है, माइंड में जल्दी से क्लियर कर लो जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्या बात ये है सर कि जब भी आपको नाउन की यूज, नाउन की नीड होगी तो आप क्या यूज करेंगे? एडवाइज। जब भी आपको वर्ब की यूज होगी तब एडवाइज, मतलब कि नाउन वाले पे ए डी वी आई सी ई और वर्ब वाले पे ए डी वी आई एस ई। इज दैट क्लियर गाइज? चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपको जल्दी से मैं बता देता हूँ कि स्पेशली और स्पेशली वाला मैटर। अब मैं कल तो बताया था, डिटेल में बताया था, एग्जांपल और दिखाया था, आज मैं एक छोटे टर्म में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक बहुत ही छोटे टर्म में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पहले मैं लिख लेता हूँ, जैसे स्पेशली जो ई से होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इससे थोड़ा सा लिखते नहीं बनता ना, और एक एस से होता है, समझ जाइएगा। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है, जब भी आप किसी चीज़ को स्पेसिफाई करेंगे, किसी पर्सन प्लेस थिंग को, मैं लिख देता हूँ, किसी पर्सन प्लेस या फिर थिंग को, किसी पर्सन प्लेस थिंग को स्पेसिफाई करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे? स्पेशल, जिसमें ई लगा होगा। जैसे मैं बोल दूँ आई लव फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स को बहुत पसंद करता हूँ, स्पेशली रोजेज, खासकर रोजेज, तो यहाँ पे ये रोजेज को क्या किया जा रहा है? स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो आपने क्या यूज कर दिया? स्पेशली। जैसे मैं बोल दूँ कि आई लव प्रयागराज, मैं प्रयागराज को बहुत पसंद करता हूँ, या आई लाइक प्रयागराज, मैं प्रयागराज को बहुत पसंद करता हूँ, स्पेशली संगम, खासकर संगम, तो संगम को क्या किया जा रहा है? स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो आप क्या यूज कर देंगे? स्पेशली। लेकिन अगर कहीं स्पेसिफाई किया जाए किस चीज़ को, किसी पर्पज़ को, अगर स्पेसिफाई किया जाए किसी पर्पज़ को, तो वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? एस वाला। जैसे मैं बोल दूँ कि दिस रूम इज़ डिज़ाइंड, इस रूम को डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, स्पेशली फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, मतलब इस रूम का एक पर्पज़ है भैया, इस रूम को बनाने का पर्पज़ क्या है कि इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं वो बैठेंगे। बात समझ में आई? जैसे मैं बोल दूँ कि दिस क्या, जैसे अभी कोरोना वायरस का ले लें, तो कोरोना वायरस का ले लें, तो जैसे मैं बोल, अभी आपने देखा एक हॉस्पिटल बनाया गया है ना, 3-4 दिन में बन तैयार किया गया है, तो बोल दें क्या, दिस हॉस्पिटल इज डिज़ाइन, दिस हॉस्पिटल इज डिज़ाइन स्पेशली फॉर कोरोना पेशेंट्स। अब उसके डिज़ाइन करने का पर्पज़ क्या है कि वहाँ पे क्या रहेंगे? कोरोना के पेशेंट्स रहेंगे। समझ में आया? जहाँ पे पर्पज़ शो होगा, जहाँ पे पर्पज़ शो होगा वहाँ पे आप कौन सा यूज करेंगे? एस वाला। और जहाँ पे किसी पर्सन प्लेस थिंग को स्पेसिफाई करेंगे वहाँ पे क्या यूज करेंगे? ई वाला। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। और आपका जो होमवर्क दिया गया सर, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देखते हैं आप लोग कितने लोग आंसर करते हैं। और ये वोकैब का चल रहा है, फिलर्स चल रहा है, फ्रेज रिप्लेसमेंट चल रहा है, एरर का सेशन हो चुका है 100+ क्वेश्चन का। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सर, अभी तक हमसे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, इंग्लिश थोड़ा इजी सा, और यूट्यूब चैनल है कॉन्टेस्ट कॉटेज। ठीक है, तब तक सर कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।